तो हम सभी देखते हैं कि गैस और हर्ट्स के पास उनकी सारी ताकतें वापस आ जाती है और वेजिटो अकेला ही गैस और हर्ट्स के सामने खड़ा होता है, जो देख के हर्ट्स कहता है, हे सयन, तो आखिरकार अब तुम हमारा सामना कैसे करोगे, क्योंकि मेरे पास भी मेरी सारी शक्तियां आ चुकी है। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, अच्छा तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बस इन फालतू ताकतों से मुझे हरा सकते हो, तो आके देख लो। और ये कहने के बाद हर्ट्स अपना हमला करने के लिए जाता है वेजिटो के ऊपर, जिससे वेजिटो बड़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी पीछे से गैस वेजिटो के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे वेजिटो कुछ कदम पीछे जाके गिरता है। जिसके ऊपर गैस कहता है, जरा संभल कर, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ एक विरोधी नहीं है, तुम यहाँ पर हम दोनों से एक साथ लड़ने वाले हो। जो सुन के वेजिटो कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया कि तुम मेरा अकेले सामना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, मास्टर गैस, आखिर आप ये क्या कर रहे हो, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ, तो आप बस तमाशा देखो। जिसके ऊपर गैस कहता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि इन दोनों की ताकतें आखिरकार कितनी है, ये चाहे तो हम में से एक को बड़ी आसानी से एक बार में ही खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में इसकी काफी सारी ताकतें लग जाएगी और फिर शायद इसका वो फ्यूजन कमजोर पड़ जाएगा। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, अच्छा तो लगता है कि तुम्हें मेरे फ्यूजन के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटो अपना हमला करने के लिए जाता है गैस के ऊपर, लेकिन तभी बीच में हर्ट्स आ जाता है और वो कहता है, मास्टर गैस से लड़ने से पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा सयन। और ये कहने के बाद हर्ट्स अपने हमले करने लग जाता है वेजिटो के ऊपर और वेजिटो और हर्ट्स की काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी वेजिटो अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा हर्ट्स के ऊपर करता है, जिससे चोट खाके हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वेजिटो गैस के सामने आके खड़ा होता है और गैस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हर्ट्स को हरा सकते हो तो क्या फिर तुम मेरा सामना भी कर सकते हो, शायद तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, भले मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ गैस। और ये कहने के बाद वेजिटो अपना हमला करने के लिए जाता है गैस के ऊपर, लेकिन गैस वहां से नहीं हटता। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटो अपने लगातार हमले करने लगता है गैस के ऊपर, लेकिन गैस को उन सभी हमलों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और गैस अपना पावर अप करते हुए कहता है, लगता है कि तुमने अपने काफी सारे अटैक मेरे ऊपर आजमा लिए हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने कुछ अटैक तुम्हारे ऊपर करूं। और ये कहने के बाद गैस अचानक से हवा पे कूद जाता है और तभी गैस अपने काफी सारे हमले करने लग जाता है वेजिटो के ऊपर, जिससे बचने पे वेजिटो को काफी ज्यादा मुश्किलें आने लगती है। और तभी पीछे से हर्ट्स भी हमला करने लग जाता है वेजिटो के ऊपर, जिससे वेजिटो काफी मुश्किल से ही बच पाता है। और वेजिटो कहता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अल्ट्रा वेजिटो को हरा सकते हैं। और ये कहने के बाद वेजिटो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जो देख के हर्ट्स और गैस दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हर्ट्स कहता है, क्या आखिरकार ये अपनी ताकतों को और भी ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है, क्या सच में इन सयन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है। जिसके ऊपर गैस भी कहता है, हर्ट्स जरा संभल कर, हम इस फ्यूजन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास सच में अंदर काफी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स हंसते हुए कहता है, मास्टर गैस आप चिंता मत करो, देखो मैं कैसे इसे हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद हर्ट्स अपना हमला करने के लिए जाता है वेजिटो के ऊपर, जिससे वेजिटो बड़ी आसानी से बचकर हर्ट्स को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है। और गैस कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दबाजी मत करो, तुम इसके हाथों मारे जा सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, सिर्फ यही नहीं है जो मेरे हाथों मारा जाएगा गैस, वो तुम भी हो। और ये कहने के बाद वेजिटो अपना पावर को अप करके गैस के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और तभी हर्ट्स भी अपना हमला करने के लिए जाता है वेजिटो के ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है
क्योंकि वेजिटो और गैस की शक्तियाँ काफी ज्यादा होती है और हर्ट्स उन हमलों को देख तक नहीं पाता है। और हर्ट्स कहता है, क्या बात है, इतने सालों के बाद मैंने एक ऐसा शख्स देखा है जो कि मास्टर गैस की ताकतों की बराबरी कर सकता है, लेकिन कैसे भी करके मुझे इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जिसके ऊपर तभी हर्ट्स को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन हमें तो लगा था कि तुम्हारा और तुम्हारे मास्टर का काम आज यहीं पर खत्म होने वाला है, तो तुम अब सपने देखना बंद करो हर्ट्स। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा और ग्रैंड पिस्ट आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हर्ट्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और हर्ट्स कहता है, क्या जिनोसामा, लेकिन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाओगे और हम यहाँ पर नहीं आएंगे? हमने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे यूनिवर्स के प्लेनेट को पहले जैसा कर दिया है और अब बस तुम दोनों को सही करने की देरी है। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि हर्ट्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जिनोसामा के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है। और तभी हम सभी देखते कि गैस और वेजिटो एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते कि हर्ट्स सीधा गैस के पैरों के पास आके गिरता है, जो देख के गैस कहता है, क्या हर्ट्स, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत। और तभी गैस देखता है कि वहां पर जिनोसामा खड़े होते हैं और वो कहता है, तो जिनोसामा, आखिर आपको वक्त मिल ही गया कि आप हमारा सामना करो। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, वेजिटो तुम हर्ट्स को संभालो और इस गैस को मैं देखता हूँ। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, आपको बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है जिनोसामा, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटो जिनोसामा जो भी कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि गैस के पास इस समय में काफी ज्यादा शक्तियां हैं और तुम्हारी शक्तियों के लायक वो हर्ट्स है, तो तुम जाके उससे अपनी लड़ाई करो। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी हम सभी देखते कि गैस एक काफी बड़ा हमला करता है वेजिटो के ऊपर, जिसे वेजिटो नहीं देख पाता और वो चोट खाके कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और गैस कहता है, तो आ जाइए जिनोसामा, मैं अपना पुराना बदला सभी से लेने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद गैस अपना हमला करने के लिए जाता है जिनोसामा के ऊपर और जिनोसामा भी अपना हमला करने के लिए जाते हैं गैस के ऊपर। और तभी हम सभी देखते कि हर्ट्स भी खड़ा हो चुका होता है और वो कहता है, हे वेजिटो, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? आ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी से खत्म करके जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करने जाऊंगा। जो सुन के वेजिटो कहता है, भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके उस गैस को भी खत्म करूंगा। और ये कहने के बाद वेजिटो और हर्ट्स अपने एक दूसरे के ऊपर काफी सारे हमले करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि जिनोसामा और गैस एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर गैस कहता है, क्या बात है जिनोसामा, क्या इतने सालों से आपकी शक्तियों में जंग लग चुका है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप मुझे हरा सकते हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गैस अपनी हद मत भूलो, शायद तुम नहीं जानते लेकिन जिनोसामा इस समय तुमसे लड़ रहे हैं और वो भी अपने सिर्फ 40% ताकतों में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर उन्होंने अपनी ताकतों का और इस्तेमाल किया तो ये मल्टीवर्स धूल में मिल जाएगा। जो सुन के गैस कुछ देर के लिए हैरान होता है, लेकिन तभी गैस हंसने लगता है और वो कहता है, तो अगर ऐसी बात है जिनोसामा तो आप मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद गैस अपनी ताकतों को और भी ज्यादा अप करने लगता है और तभी वो जिनोसामा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे जिनोसामा कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और वो मन ही मन कहते हैं, मैं गैस का सामना इस समय अपनी पूरी ताकत में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये सारा का सारा मल्टीवर्स पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा। और ग्रैंड प्रिस्ट और मैंने इस मल्टीवर्स को पहला जैसा सही करने के लिए काफी समय बर्बाद किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब शायद मेरे पास एक ही चारा है और वो है वेजिटो। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटो ने हर्ट्स की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है और हर्ट्स तभी भी हंसता रहता है और वो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मास्टर गैस का सामना कभी भी नहीं कर सकते। और हमारी इस बात को याद रखना कि हम चाहे आज खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मास्टर गैस जिनोसामा से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है
और तभी वेजिटो जैसे मुड़के पीछे देखता है, वो देखता है कि गैस काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है जीनोसामा को, जिसके ऊपर तभी अचानक से वेजिटो हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि आखिरकार मुझे एक ऐसा योद्धा से लड़ने का मौका मिलेगा जो मेरी शक्तियों का सामना कर सकता है। जो सुन के हर्ट्स काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वेजिटो कहता है, अलविदा हर्ट्स, क्योंकि अब मैं अपनी और भी ज्यादा शक्तियाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटो अपनी ताकत को और भी ज्यादा अप करने लगता है, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और वेजिटो की ये पावर देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वेजिटो अपने काफी ज्यादा पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है हर्ट्स के ऊपर, जो देख के हर्ट्स भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, क्या आखिरकार इंसेन के पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ, लेकिन कैसे? और हर्ट्स उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे हर्ट्स का नामो निशान वहीं पर मिट जाता है और वेजिटो हंसता रहता है। और तभी वेजिटो कहता है, तो अब वक्त आ चुका है कि गैस तुम मेरा सामना करो। और ये आवाज सुन के गैस जैसे पीछे मुड़के देखता है, तभी जिनोसामा अपना एक हमला कर देते हैं गैस के ऊपर, जिससे गैस काफी दूर जाके गिरता है। और जिनोसामा कहते हैं, वेजिटो, मैं अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब लगता है कि गैस को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। जिसपे वेजिटो कहता है, मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था, तो गैस, क्या तुम मुझे अपनी असली ताकतें दिखाने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटो अपनी ताकतों को और भी ज्यादा अप करने लगता है। और तभी वेजिटो अपनी एक नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के वहां पर मौजूद सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम सभी देखते गैस को, जो कि कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास सच में पहले से काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन ये काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और ये कहने के बाद गैस और वेजिटो एक दूसरे की तरफ अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार हम सभी देखते कि वेजिटो बड़ी आसानी से गैस को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा का वो फ्यूजन वहीं पर अलग हो जाता है, क्योंकि वेजिटो ने अपनी काफी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर लिया होता है। और वेजिटा कहता है, क्या ये क्या हुआ, अभी तो किस खेल में मजा आया था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा जरा देख के। और तभी गैस अपने काफी बड़ा हमला गोकू और वेजिटा की तरफ करता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। जो देख के गैस कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम दोनों सैयन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो, तुम्हारे सिर्फ उस फ्यूजन की वजह से तुम अभी तक मेरे सामने खड़े थे। बेवकूफ सैयन, तुम मेरे सामने कीड़ों के समान हो और तुम कभी भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम पिद्दी सैयन मेरा सामना कर सकते हो। और ये सुन के वेजिटा और गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने, हम सैयन्स को तुम कमजोर कैसे समझ सकते हो, लगता है कि तुम्हें अब असली सैयन्स की ताकतें दिखाने का समय आ चुका है, क्या कराट, क्या तुम तैयार हो। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तो चलो इससे दिखा दे कि हम फ्यूजन के बिना भी कितने ज्यादा शक्तिशाली है। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा एक दूसरे के साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के जिनोसामा और ग्रैंड फिश भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो दोनों ही अपना एक काफी बड़ा कंबाइन अटैक बनाने लगते हैं, जो देख के गैस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू और वेजिटा फाइनल फ्लैश और फाइनल कामेहामेहा अटैक कर देते हैं सीधा गैस की तरफ, जो देख के गैस काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा शक्तियां और वो भी इन मामूली सैयन के पास, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गैस का भी नामो निशान वहीं पर मिट जाता है। और गोकू और वेजिटा की हालत इस अटैक के बाद काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि कुछ समय बीत जाता है और गोकू और वेजिटा जैसे अपनी आंखें खोलते हैं वो दोनों एकदम सही सलामत होते हैं, क्योंकि जिनोसामा ने उन्हें पहले जैसे हील कर दिया होता है। और गोकू कहता है,
आपका बहुत शुक्रिया जिनोसामा कि आपने हमें पहले जैसा कर दिया, जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं। शुक्रिया तो मैं तुम दोनों का करता हूँ गोकू वेजिटा, कि तुमने गैस जैसी शक्तियों को इतनी आसानी से हरा दिया। तुम सियन सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हो। तुम लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि सब कुछ अब पहले जैसा हो चुका है, तो तुम अब अपने प्लैनेट अर्थ में जाके अपने दोस्तों से मिल सकते हो, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है। आपका बहुत शुक्रिया सिनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट, और आखिरकार अब हम वापस से अपनी पहले जैसी जिंदगी जी सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मेरे इस बात को सुनते हुए जाना, मैं आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। सो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी कमिंग सून है।